फरीदाबाद सेक्टर 62 आशियाने में रहने वाले एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार अनिल राठी के पिता पर छोटे भाई के ससुरालियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान लाठी डंडों और लोहे की सरियों से पीट पीट कर पत्रकार के पिता की हत्या कर दी गई। तो वहीं छोटे भाई पवन को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आईपीसी की धारा 302 के अलावा अन्य कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पत्रकार के पिता की पीट पीट कर हत्या के मामले में पूरी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि पत्रकार अनिल राठी के छोटे भाई और उनकी पत्नी के बीच आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद छोटे भाई की पत्नी ने अपने मायके वालों को बुला लिया, जिन्होंने घर में घुसकर पहले पत्रकार के छोटे भाई पवन के साथ लाठी डंडों व सरियों से जमकर मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आए उनके पिता को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला लाठी डंडों और लोहे के सरिये से किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पत्रकार मृतक के पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं छोटे भाई पवन के बयानों के आधार पर आईपीसीपी धारा 302 के अलावा अन्य संगीन धाराओं के तहत 5 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सर, क्या मामला है? मामला क्या है? कल हमें करीब 1 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि जैसे सेक्टर 62 में अत्तर सिंह के घर उनके रिश्तेदारों ने झगड़ा किया और अत्तर सिंह की उसमें मौत हो गई। तो मौका पर पुलिस पहुंची तो अत्तर सिंह को बीके हॉस्पिटल लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। आज उनके बयान लिख के मुकदमा दर्ज किया गया, अभी पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की। आरोप किन पर है और वजह क्या बताई जा रही है? वजह अत्तर सिंह के बेटे हैं छोटे पवन, उनकी उनकी वाइफ का कोई झगड़ा था, तो पवन की और उसकी वाइफ का कोई डिस्प्यूट था किसी बात को लेके, तो उनके मायके से उसके भाई और उनके परिवार वाले आए थे कल, तो उन्होंने उनके साथ आपस में बातचीत करते हुए आपस में दोनों का झगड़ा हो गया था। तो अभी कितने लोग घायल हुए हैं इसमें और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? इसमें पवन के चोटें मारी हैं, उसके फादर एक्सपायर हो गए और इसका पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई करेंगे। मुकदमा 302 में दर्ज किया है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो वहाँ से 3 जेंट्स हैं, उसका साला, उसके चाचा और 2 लेडीज़ हैं, तो उनका नाम लिखा है, उन्होंने पवन के चोटें मारी और जो छुटा रहे थे उनके फादर तो उनको भी धक्का मारा, चोट चाट मारी, तो इस वजह से उनकी मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम के बाद हम जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।